इनफैक्ट एक्नी इज़ अ प्रॉपर डिज़ीज़। लोग ये समझते हैं कि गालिबन एक्नी पिंपल्स हैं, दाने हैं, छोटा सा प्रॉब्लम है, और आमतौर पे लोग बहुत कम इसके लिए मेडिकल एडवाइस सीक करते हैं फ्रॉम अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल होता है कि हम किसी लगाने वाली ट्यूब से, किसी क्रीम से, कोई कॉस्मेटिक हम लगाएँ और उसी से हमें फ़र्क पड़ जाए। उसकी जो मेन रीज़न मैं समझता हूँ वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। अब एक्नी असल में एक इन्फेक्शन है और यहाँ मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं उस बैक्टीरियम के लिए जो हमारी स्किन में आके ये सारे प्रॉब्लम कॉज करता है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं और बाज़ुकात हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्नी कॉज करने के, लेकिन हमें पता नहीं होता और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अगर हमने किसी डॉक्टर को अप्रोच किया है तो डॉक्टर हमें दवाई दे और 3-4 दिन में ठीक हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें पब्लिक अवेयरनेस के लिए ज़रूरी हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखें कि एक्नी जो है ये एक प्रॉपर इन्फेक्शन है और एक्नी इज़ नॉट समथिंग जैसे हम रूटीन में कह देते हैं जवानी के दाने और ये इस उम्र में आ जाते हैं और सबको आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूजुअली इस एज में इसलिए कॉमन है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस यहाँ आ रही होती हैं जो कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं वहाँ इन्फेक्शन कॉज करने के लिए।